हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ दो कैदियों की। एक जेल होती है और उस जेल के अंदर जैसे अलग अलग कमरे बने होते हैं, सेल बोलते हैं उन्हें, सेल में दो कैदी एक साथ बंद होते हैं। अब क्या होता है, उस सेल के अंदर एक खिड़की होती है और उस खिड़की में सलाखें लगी होती हैं जिससे वो भाग ना जाए। और उन सलाखों के बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। जब रोज़ सुबह सूरज उगता है तो वहाँ से वो सनराइज़ का इतना सुंदर व्यू दिखाई देता है, और रोज़ जब सनसेट होता है, सूरज ढलता है, तो बहुत ही खूबसूरत सनसेट का नज़ारा वहाँ से दिखाई देता है। घने लंबे लंबे हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं, खूब सारी चहचहाती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया वहाँ से दिखाई देती हैं। रात को सुंदर सा चांद उस खिड़की से झांकता है और उसकी चांदनी उस सेल के अंदर बिखरती है। बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। रोज़ वो कैदी उस खिड़की की तरफ घंटों निहारा करते हैं, ये सोचकर कि एक दिन आएगा जब वो इन सलाखों के बाहर होंगे और ये जो दुनिया है, बाहर की खूबसूरत दुनिया, उसे फिर से देख पाएंगे। इस अंधेरी काल कोठरी से बाहर के उजाले की तरफ जाएंगे और जीवन में फिर से खुशियां लौट आएंगी। रोज़ यही सोचकर वो घंटों उस खिड़की की तरफ, उस खूबसूरत नज़ारे की तरफ निहारा करते थे। अब एक दिन क्या होता है, जेल में एक ड्राइंग कंपटीशन रखा जाता है। ड्राइंग कंपटीशन में सारे कैदियों को एक एक पोस्टर और कुछ कलर्स दिए जाते हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी सोचते हैं, उसे आपको ड्रॉ करना है। उन दोनों कैदियों को भी एक एक पोस्टर और कलर्स मिलते हैं। अब क्या करता है, एक कैदी जो होता है वो उस पोस्टर पर बनाता है वो सलाखें जो उस खिड़की पर बनी होती हैं। खिड़की पे जो सलाखें थी वो बनाता है, यानी वो हर रोज़ उन सलाखों के बारे में सोचता था कि मैं सलाखों में कैद हूँ और एक दिन आएगा जब इन सलाखों से बाहर होऊंगा मैं, यानी हमेशा वो सलाखें उसके दिमाग में चला करती थी। और दूसरा कैदी वो क्या बनाता है, वो उन सलाखों के बाहर का नज़ारा बनाता है उसके अंदर। वो उसके जो पोस्टर होता है उसके अंदर एक सुंदर सा सनराइज़ का व्यू होता है जिसके अंदर घने लंबे लंबे पेड़ों पर कुछ घोंसले बने होते हैं, कुछ चिड़िया आसमान में उड़ रही थी और कुछ जो है पेड़ों पर बैठी हुई थी। यानी वो हर रोज़ उस नज़ारे को देखकर वो शांति महसूस करता है जो बाहर के इस खूबसूरत दुनिया में उसे लगता है थी। तो समझ रहे हैं ना आप कि ज़िंदगी में क्या हमें इग्नोर करना है, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बेचैन करती हैं, हमारी शांति भंग कर देती हैं, हमारी खुशियाँ छीन लेती हैं। तो हम क्यों सोचें उनके बारे में, हम क्यों सोचें उन सलाखों के बारे में, उन बंधनों के बारे में, उन बंदिशों के बारे में जिनमें हम कैद हैं। क्यों ना हम उस खूबसूरत दुनिया के बारे में सोचें जो हमें शांति दे, हमें खुशी दे, हमें स्माइल्स दे, है ना। तो हमें तो उस खूबसूरत नज़ारे के बारे में सोचना है जहाँ खूब सारी खुशियाँ हैं, खूब सारी शांति है, बहुत सारी चहचहाती महकती चहकती चिड़िया हैं, बहुत सारी सुंदर आवाज़ें हैं और बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं, है ना। एक खूबसूरत ऊर्जा से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ सूरज है, एक अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देता हुआ चाँद है, एक ठंडी ठंडी चांदनी है, है ना। क्यों ना सोचें हम उसके बारे में जिससे हमें शांति मिले। चीज़ें तो एक ही हैं, दोनों एक जगह ही बंद थे ना, दोनों के पास वही नेगेटिविटी, दोनों वही जेल में बंद हैं। पर देखिए, सोचने का तरीका, सोचने का नज़रिया एकदम अलग है। जिसने सलाखें बनाई वो हमेशा बेचैन रहता होगा उन सलाखों के लिए, और जिसने वो खूबसूरत नज़ारा बनाया वो हमेशा पॉजिटिव रहता होगा कि हाँ, एक दिन मैं उस दुनिया को देखने बाहर जा रहा हूँ, ये खूबसूरत दुनिया वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हम भी क्यों ना एक ऐसी अप्रोच रखें। You should know what to ignore. Bye-bye.